देखिए बड़ा उत्साह का माहौल है अंदर जाके, एक अच्छी बात लगी कि बड़ी लाइनें लगी हुई, और इस लोकतंत्र के पर्व में जो हर 5 साल में आता है, इस चुनाव के अंदर भी भारी उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, और हमें पूरी आशा है ये मतदान गठबंधन प्रत्याशी आरिफ जी को जीत की ओर ले जाएगा। अच्छा, 27 सीटों का चुनाव लड़ा जा रहा है पूरे प्रदेश में, कितनी सीटों का अनुमान है? देखिए जिस तरह की परिस्थितियाँ थी और दबाव और सरकार का प्रेशर सब चीज़ थी, उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस पर्व पे समाजवादी पार्टी गठबंधन कहीं ना कहीं अधिक चीज से ऊपर रहे। यहाँ नगर पालिका प्रांगण में स्थानीय निकाय का चुनाव है, श्रीमती वंदना वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्हीं के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए यहाँ बहुत सारे मतदाता हमारे यहाँ पहुँचे हैं, और उनको पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुजफ्फरनगढ़ सहारनपुर शामली जनपदों की ये सीट निश्चित रूप से विजयी है। प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? हमारी पूरी नज़र अपनी विधानसभा क्षेत्र में है, प्रदेश में बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। दो विधानसभा के चुनाव यानी MLC के चुनाव हम निर्विरोध रूप से पहले जीत चुके हैं, और निश्चित रूप से 6 सीटें भी हम जीत लेंगे। आपके सामने है, हम लोगों ने आज सांप्रदायिकता के खिलाफ नौजवानों की अपेक्षाओं को लेकर के, और पिछली चुनाव में जिस तरह का जनता का आह्वान रहा है, उन सब बातों को देख करके आज मतदान किया है। इस तरह से मतदान किया है कि अपर हाउस में ऐसे लोग चुन करके जाएं जो जनता की आवाज़ को उठाने का काम करें, नौजवान की, महिलाओं के सम्मान की और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकें, जिनकी सोच में उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के बारे में स्थान, जात और धर्म से परे हट करके जो क्षेत्र का विकास कर सके, सीट का विकास कर सके, ऐसे व्यक्ति को जो समाजवादी पार्टी के लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी आरिफ भाई, उनको मतदान करने का काम आज हम लोगों ने किया है। इस चुनाव में ज़्यादातर जो प्रत्याशी आपके कहीं दिखे नहीं, जिस तरह जो सत्तारूढ़ पार्टी की प्रत्याशी थी वो लगातार जनसंपर्क में हमने भी देखी, लेकिन आपके प्रत्याशी हमें कहीं नहीं मिले। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, एक एक मतदाता के पास हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा नेता, हमारा प्रत्याशी कोई ना कोई जरूर गया, और सबसे संपर्क करके इस चुनाव को लड़ने का काम हमारी पार्टी के प्रत्याशी ने किया है। चुनाव तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो कहीं विपक्ष का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वंदना वर्मा मुझे लग रहा है एक तरफा जीत दर्ज करेंगे, कहीं चुनाव दिखाई नहीं दिया। विपक्ष अपना बूथ लगाने का साहस भी नहीं जुटा पाया, तो चुनाव क्या कहेंगे सर? मेरठ की अगर स्थिति की बात की जाए, मेरठ के प्रभारी भी, मैं मेरठ जा रहा हूँ अभी, और मुझे लगता है मेरठ का चुनाव भी ऐसा है जैसे यहाँ, वहाँ हमारे उम्मीदवार भारद्वाज जी भारी मतों से जीते। चलो।